टेलीविज़न सिस्टम, टेलीविज़न किस तरह से ऑपरेट करता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपने एंटीना तो देखा ही होगा, टेलीविज़न से लगा एक एंटीना होता है जहाँ की जहाँ से एक रेडियो सिग्नल आता है। सबसे पहले टेलीविज़न का आविष्कार फिलो फैंसवर्थ ने 1928 ईस्वी में किया था, जो कि और इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, और यहाँ पर रेडियो सिग्नल के साथ साथ एक पिक्चर इमेज पिक्चर को भी प्रोजेक्ट करना होता है स्क्रीन, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे एंटीना एक रिसीवर पे आता है, और उस एंटीना के माध्यम से केबल के माध्यम से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें कि आपके साउंड और पिक्चर दोनों होते हैं, वो हमारे टीवी मैकेनिज्म जो CRT कैथोड रे ट्यूब है उसके थ्रू इमेज को प्रोसेस किया जाता है, साउंड को प्रोसेस किया जाता है, और वहाँ से सिग्नल हमारे टीवी प्रोजेक्ट स्क्रीन पर आते हैं। तो ये जो सिग्नल है जो एक रेडियो स्टेशन से वाया हमारे केबल के थ्रू एंटीना के थ्रू हमारे टीवी तक पहुँचता है। सैटेलाइट टीवी में भी यही होता है, सैटेलाइट टीवी भी वो डिशेस लगे होते हैं हमारे रूफ पर, और जहाँ से कि वो सिग्नल को कैप्चर कर और सारे के सारे इमेज को और साउंड को प्रोजेक्ट किया जाता है एक स्क्रीन पर। तो बेसिकली इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ से सारा प्रक्रिया शुरू होता है, जहाँ के एक कैथोड और एक एनोड होता है और जो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट करता है, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वह रे फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो बीम आते हैं वो तीन कलर के होते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, और ये तीनों जब तीनों बीम स्क्रीन पर होते हैं तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस स्क्रीन होने के कारण ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर होता है वो पूरी तरह से स्कैन होने के बाद पूरे स्क्रीन पर फैल जाता है, जहाँ पर हमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी मिलता है। तो टेलीविज़न सिस्टम में मेन चैलेंज होता है कि उसमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो पिक्चर को भी प्रोजेक्ट करना एक पार्टिकुलर स्क्रीन पर।